करोना वायरस की वो बीमारी जो कि चीन तो चलती है तो हौली हौली पूरे मुल्क दे विच पूरे वक् वक् देशों दे विच फैल जाती है। वो बीमारी इस हद तक लोगों के मन में घर करके बैठ गई कि जिते कि एक वड्डा डर है उत्थे ही एक विश्व लिए एक वड्डा खतरा बन चुका है। सो इसलिए वक् वक् सरकारां अपने अहम उपराले कर रही ने, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को वक् वक् प्रकार के एहतियात वरतन लिए कहा जाते हैं। सो इस गल लैके साडे नाल जुड़े ने श्री गुरु तेग बहादुर मल्टी स्पैशली हस्पताल श्री आनंदपुर साहब तो डॉक्टर परविंदरजीत सिंह कंग जो कि बहुत अच्छे सर्जन ने, बड़े अच्छे समाज सेवी शख्सियत ने। आओ असं अज उन्हां गलबात करते हैं तो उन्हां तो जानते हैं कि यह बीमारी असल में की है तो सानू किवें इस तो बचा जा सकता है, इस तो बचने लिए कड़े परहेज सानू करने चाहिए, किस तरह के एहतियात सानू वरतने चाहिए ने। करोना वायरस बारे तुसीं साडे दर्शकां नूं जानकारी दिओ। हाँ जी, करोना वायरस एक नवी बीमारी हैगी है जिहड़ी कि चीन चाइना तो शुरू हुई है और एकदम सारे दुनिया च फैलन दा इहदा खतरा बहुत बड़ी संभावना बन गई है और साढ़े भी जिहड़े लोकी बाहरले देशों में जिथे जिथे फैली है चाइना तो खास करके इटली तो ईरान तो इंग्लैंड वगैरह वैसे यूरोप वाले देशों तो अमेरिका तो ईवन जिहड़े आ रहे हैं उन्होंने बीमारी वाले जिन्हों के कीटाणु आ गए उन्होंने साढ़े कंटैक्ट होने जो भी भारत इंडिया विजिट करते वाले लोग खतरा बहुत बनया है। जिहड़े प्रॉब्लम ये वायरस दी इस वायरस प्रॉब्लम यह है कि वायरस की सिमटम तो पहला इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, बंदा हले बीमार नहीं हुंदा लेकिन इन्फेक्शन पहला फैलाई जाता, ये बहुत बड़ी जिहड़ी है खतरनाक जिहड़ी स्थिति हैगी है, सानू ये चीज़ समझनी चाहिए है। और एक क्योंकि नवी बीमारी है जानवरों तो ये आदमी में आई है और आदमी में इन्नी स्पीड ना फैल रही है, इहदा हाले कोई वर्ल्ड लैवल ते वैक्सीन जां कोई दवाई हाले तक अपना डेफिनेटली कारगर नहीं हैगी, हालांकि बहुत सारे लोग अपने आप ठीक होने की उन्होंने शक्ति हैगी है। लेकिन असी सरकारां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिससे बहुत बड़े उपराले कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़े वधिया उपराले कर रही है, हॉस्पिटल सारे अवेयरनैस सेंसिटाइजेशन कर रहे ने, एफर्ट्स कर रहे हैं, उत्थे ही आम नागरिक का फर्क बनता है कि इस बारे जिन्नी नॉलेज ज़्यादा उन्होंने लैणगे बचाओ के तरीके अपनाएंगे। हर एक दी साड़ी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, सरकारां ते ना डिपेंड रही है कि कोई तीसरा बंदा आएगा, असी अपना आप प्रोटेक्शन करनी है। जे असी प्रोटेक्शन करके असी बीमारी नूं दूर रख सकते, असी सीमित कर सकते हैं तो साढ़े विच उहदे च बचाओ दे ज़्यादा वा, क्योंकि हाले तक जब तक दवाई नहीं आती ये सानू अत जरूरी है कि असी इहनू खत्म कर दिए, जिहड़ी चेन इन्फेक्शन दी एक बंदे तो दूसरे नूं फैलदी उहनू रोकीए। ज़्यादातर लोग इस बीमारी के सिमटम खांसी के सिमटम्स है, फ्लू टाइप के सिमटम्स है, जिहदे करके ये हवा च कुछ एक दो फुट तक यह इन्फेक्शन कर सकदा, जिहड़े बंदे नूं खांसी वगैरह आती है जां साह दे नाल फैलदा हैगा जां जिहड़े सरफेस उत्ते जां खां दीवार दे उत्ते जां टेबल दे उत्ते जां हैंडल दे डोर दे हैंडल दे उहनां नूं अपने हत्थां तों उहनां नूं डोर हैंडल तों हत्थ लगणा जां होर वी जिन्नियां ऑब्जेक्ट्स ना उह हत्थ लांदा उहदे तों कुछ घंटे तक कीटाणु जिंदा रहिंदा है, जिहड़ा कि अज कल दे मौसम खास करके 25 डिग्री तक इहदे चांसिस हैगे कि इह जिहड़े सर्वाइव करदा है, ज्यों ज्यों गर्मी आएगी त्यों त्यों जिहड़ी लाइफ घटती जाएगी तो इनफेक्टिविटी घटती जाएगी। लेकिन जब तक ये मौसम चल रहा है इनफेक्टिविटी का रुझान चल रहा है सानू इहदे बारे नॉलेज लई है, जिथे भी असी भीड़ भड़की वाली जगह पब्लिक प्लेस है उत्थे असी जिहड़ा बंदा दे सिमटम्स आते हैं जां खास करके जिहड़े लोग बाहरों साडे च विचरदे आ बाहरले देशों तों आ रहे जिथे कि इनफेक्शन पहले ही फैली हुई है उन्हां लोकां तों सानू कंटैक्ट तो परहेज करना चाहिए, जां उन्हां लोकां नूं भीड़ भड़के पब्लिक प्लेसिस तों हाल दी घड़ी 2 हफ्ते कम से कम मैं कहूँगा कि वह ना जाण तां कि असी इस बीमारी नूं असी बिल्कुल ही सीमित कर सकीए। और ये 2 हफ्ते का जिहड़ा सैकेंड फेज शुरू होया इहदे विच बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी हर एक नागरिक की बनती है कि असी हर एक नॉलेज ये बारे लईए कि असी एक दूजे तो दूसरे तो फैलन दे कितना रोक सकते हैं, रोकण विच ही साडी बचाओ है, रोकण विच ही साडी कामयाबी है और सारे देश नूं हमला मार के इस चीज़ तो बचना चाहिए। तो जो सैनिटाइजेशन की गल कर रहे हो अपने घरों नूं जां अपने आले-दुआले किस तरीके नाल किया जा सकदा, इस विच तुसीं की कहोगे? सैनिटाइजेशन बारे है कि साफ सफाई वैसे भी सानूं रखनी चाहिए है, बहुत सारिया बीमारियां जिहड़ियां गंदगी तो पैदा हुंदियां तो वो वैसे भी सानूं साफ सफाई रखनी चाहिए है, कोई इन्ना नहीं हैगा कि आपां नूं सैनिटाइजेशन असी बचाना जरूरी है कि सैनिटाइजेशन परमानेंट क्योर है, परमानेंट क्योर है कि असी सानूं यह समझना पड़ेगा कि फैलदी किस तरह फैलदी, यह हैगी है भी साडे ह्यूमन कंटैक्ट नाल फैलदी है, जिहड़े असी एक दूजे नाल इनफेक्टेड सरफेस साडे हैंड्स है साडे फेस है
उन्हां ते असी इनफेक्टिविटी जिहड़ी आ उह दूसरे बंदे तक पहुँचदी जां रेस्पिरेशन ड्रॉपलेट इनफेक्शन नाल पहुँचदी है, असी उस चीज़ ते ध्यान रखिए। हाँ, जे आपां साफ सफाई रख सकते हैं तो रखनी चाहिए है, बिल्कुल रखनी चाहिए। उन्हां होर कई बीमारियां आपां इस तों आपां ठीक रह सकते हैं, अपने सेफ रख सकते हैं।